हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बच्चों की चोटी वाली टोपी किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। तो उसके लिए 4 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 101 फंदे 100 के करीब, तो इसमें इसी तरह से डालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से जितने फंदे हमें चाहिए उतने हम इस तरह से आगे कर लेते हैं डिवाइडर की हेल्प से, इस तरह से। और नॉर्मल मैं व्हाइट और ब्लू कलर से बना रही हूँ, तो व्हाइट कलर लगा देते हैं। और ये पतली ऊन है तो इसको मैं 7 नंबर पे सेट कर रही हूँ। इस तरह से इसमें हम वेट लगा लेते हैं और इसको आगे कर लेते हैं ये वाले फंदे भी। और फिर 8 सिलाइयां लगाएंगे। जो हमारे फंदे नहीं आए उनको हम उठा लेंगे इससे ट्रांसफर टूल की सहायता से, इस तरह से। इस तरह से ये 2 सिलाइयां हो गई हमारी। जब हमारी 8 सिलाइयां कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। अब हम इसको जो है गैरेज को 10 नंबर पे, पहले ये 7 नंबर पे था, अब एक सिलाई 10 नंबर पे कर लगा के अभी ये 10 पे सेट किया हुआ है। अब इसमें एक सिलाई लगा रही हूँ मैं, ये एक सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई 10 नंबर पे। अब फिर से इसको 7 नंबर पे ही कर दूंगी, इस तरह से ये 7 नंबर पे ही कर दिया है। अब फिर से 8 सिलाई लगाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन फंदों को हम यहाँ पे उठा लेंगे, इसको वेट को हटा लेंगे इस तरह से। और ये फंदे इसके साथ से एक नीडल छोड़ के एक में उठा लेंगे।
इस तरह से। अब इसमें हम ये लगा लेते हैं, पहले ये बॉर्डर जो है ये हमने सात में बनाया, अब हम आठ नंबर पे सेट करके इसकी सिलाइयां लगा देंगे। वन टू थ्री फोर नाइनटीन, ये सिलाइयां लगाने के बाद अब मैं ये नेवी ब्लू कलर का धागा यूज कर रही हूँ। साढ़े सात इंच तक हम बनाएंगे, अभी ये छह ही हुआ है। जैसे ये हमें साढ़े सात तक बनाना है, तो अभी साढ़े छह हुए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हर तीसरा फंदे नीडल को खाली कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब आठ सिलाइयां हम लगा लेंगे। तो ये जो हमने नेडल खाली किए उनको नहीं बनाना है, उनको पीछे ही रखना है। आठ, अब इसको छह नंबर पे कर देंगे। और अब पहले ये दो दो पे था, बीच में एक फंदा रह जाएगा और दो नीडल खाली हो जाएंगे, एक बनाएंगे और दो नीडल खाली है इस तरह से। इस तरह से अब दो सिलाइयां हम लगा देंगे, वन और टू। अब इन फंदों को हम सारे निकाल लेंगे नीडल में। इस तरह से इस तरह से मैं ये सारे फंदे निकाल लूंगी। तो ये सारे फंदे हम मैंने इस तरह से ये निकाल लिया है। इस तरह से ये हमने इसमें धागे निकाल बंद कर लिया सारा। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे इसको इस तरह से।
इसको, ये मैंने इसको सिल लिया है यहाँ से सारा, यहाँ से यहाँ तक। ये इस तरह से हमारी नॉर्मल कैप जो बनते बनी। अगर इसमें आप चाहो बॉर्डर दूसरा भी बना सकते हो, आपको जिस तरह से ठीक लगता है, पर मैंने ये नॉर्मल वाला ही बनाया है। इससे ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होता और बच्चों को पहनने में इजी रहता है। अब इसमें आप चोटी जिस कलर की लगाना चाहो आप लगा सकते हो। और जैसे साथ में ये मैंने एक क्रोसी से एक फ्लावर बनाया हुआ है, इसमें अभी एडेड, मतलब इसको इस तरह से सिलने हैं। तो आप इस तरह से कोई फ्लावर भी इसमें ऐड कर सकते हो इस तरह से। और इसको मैं बताती हूँ, आप इसमें हमें यहाँ पे चोटी बनानी है। तो चोटी के लिए हमें सबसे पहले जो धागा लेना है, ये आप दोनों कलर का भी लगा सकते हो, जैसे व्हाइट और जो दो कलर के आपने ऊन लगाई है उसी कलर का, या ब्लैक कलर का भी, मतलब इतने जितनी आपको लंबी चोटी चाहिए उतना आप इस तरह से धागे को नाप सकते हो। ये चोटी बनानी हो उस तरह से आप ले सकते हो। ये इसकी लेंथ हुई है मैंने 27 इंच, 27 इंच है। तो मैं इसको यहाँ से काट लेती हूँ। इस तरह से अब इसको थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, जैसे ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लूंगी। अभी इतनी ही और करना है, मैं 5 10 10 वो है धागे। इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है यहाँ पे कहीं भी इसको इस तरह से करके इसको ऐसे खींचेंगे इस तरह से, और इस धागे को यहाँ से इस तरह से 1 मतलब 3 या 4 पार्ट में कर लेंगे। अब ये वाले भी इस तरह से, इस तरह से। अब इतने ही और धागा ले लेती हूँ मैं, ये क्योंकि इसकी पतली चोटी बनेगी। तो इसी लेंथ इतनी ही रखनी है, सारे धागा बराबर ही रखना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा उसको ऊपर नीचे हो जाता है, वो कोई नहीं, पर मतलब ज्यादा है, कोशिश यही करनी है कि मतलब सारा धागा एक ही लेंथ पे हो। इस तरह से अब चोटी, अब इसको हम जैसे हम नॉर्मल चोटी बनाते हैं उस तरह से हम इसको चोटी बना लेंगे, जैसे बालों की चोटी बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से यहां से कोई एक धागा लेके यहाँ पे इसको हम सिक्योर कर लेंगे ताकि खुले नहीं है। और जैसे लास्ट में छोटा बड़ा धागा बचा हुआ है तो उसको हम एक बराबर कट कर लेंगे। इस तरह से इसकी चोटी बन गई है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।